वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, मैं हूं दीपेंद्र सोनी और टैग गुजरात चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, अपने सामने एक ऐसी प्रोडक्ट खड़ी है जो इंडिया के अंदर काफ़ी तगड़े सेल से चल रही है अभी। हालांकि इसका एक जो मॉडल था इससे पहले वाला, वो मॉडल का नेम है वीवो V20, जो हाल ही में अभी लॉन्च हुआ है और काफ़ी चल रहा है, काफ़ी तेज़ से उसकी गाड़ी भाग रही है। और उसके बाद वाला जो मॉडल था, जैसे कि आपने अगर हमारा वीवो V20 का अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं देखा है, ऊपर वाले ये आई बटन के ऊपर आप क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बताया था कि वीवो V20 के बाद वीवो V20 SE लॉन्च होगा और SE के बाद वीवो V20 Pro लॉन्च होगा। तो लॉन्चिंग से ये मोबाइल हमारे पास आ चुका है। मोबाइल स्पॉन्सर बाय जास्मिन मोबाइल शॉप। अब जैसे कि पीछे के स्टार्टिंग के अंदर आपने देख लिया, जास्मिन मोबाइल का शॉप का जो स्पॉन्सर है वो है वीवो V20 SE मोबाइल, उन्होंने हमको स्पॉन्सर किया है। तो हम करेंगे पूरी की पूरी अनबॉक्सिंग ये मोबाइल की। लेकिन दोस्तों वीडियो तो आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो नीचे वाले रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही एडवांस वीडियो आपको मिलते रहे हमारे चैनल के ऊपर। बॉक्स का डिज़ाइन तो काफ़ी हमको यहाँ पर एट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों बॉक्स जैसे हमने ओपन किया तो यहाँ पर और भी एक मज़ेदार चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिली। जो पाउच था उसके ऊपर भी काफ़ी एक अच्छी डिज़ाइन हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमको यहाँ पर हमको देखने को मिलता है हमारा वीवो V20 SE मोबाइल। रैपर को साइड में हटाते हुए दोस्तों अगर हम मोबाइल की बात करें कलर और उसकी, तो यहाँ पर ये काफ़ी एट्रैक्टिव लुक हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। अभी मैं मोबाइल को पावर ऑन करके आपको मोबाइल के बॉक्स के अंदर से और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा फ्लैश चार्जर जो 33 वोल्ट का है। और उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टाइप सी पोर्ट, जो भी एक काफ़ी अच्छी बात है, आजकल के हर एक जगह पे मिल जाता है। 3.5 mm का ईयरफोन। और बाद में दोस्तों जो पाउच था उसके अंदर से हमको मिल जाता है एक सिम इंजेक्टेड टूल, बाकी सब ज्ञान की बात है। और उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पे मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का मोबाइल के प्रोटेक्शन के लिए कवर केस, जो हमको काफ़ी यूज़ करना चाहिए। बात करें दोस्तों मोबाइल के ऊपर की साइड के, तो यहाँ पे हमको एक मिल जाता है सिम ट्रे हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों सेकेंडरी माइक्रोफोन भी हमको यहाँ पे ऊपर के साथ देखने को मिलता है। मोबाइल की राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों हमको पावर ऑन बटन के साथ वॉल्यूम रॉकर प्लस एंड माइनस बटन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मेरे को एक काफ़ी अच्छी बात लगी कि मोबाइल की लेफ्ट साइड है वो टोटल प्लेन हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और दोस्तों बात करें उसके कलर के बारे में, तो ये जो कलर है हमारे पास उसको बोला जाता है ग्रेविटी ब्लैक कलर, जो काफ़ी एक शाइनी लुक हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक ही कलर के अंदर हमको शाइनिंग काफ़ी सारी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो एक ग्लोसी के बेस के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया है। मेरे को काफ़ी ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये वीवो V20 SE मॉडल, जिसको बोला जाता है स्पेशल एडिशन भी इन लोगों ने बात किया था, तो यहाँ पे स्पेशल एडिशन वीवो V20 SE हमको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर बात करें इसके पीछे की, तो वीडियो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, पीछे की साइड दोस्तों हमको यहाँ पे 3 कैमरा मिल जाते हैं, जिसके अंदर से हमको जो फर्स्ट कैमरा है वो हमको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। उसके बाद दोस्तों एक और कैमरा मिलता है वो है 8 मेगापिक्सल का, और उसके बाद हमको यहाँ पे देखने को मिलता है 2 मेगापिक्सल का कैमरा। और बात करें दोस्तों इसके फ्रंट की, तो यहाँ पे जो सेल्फी लेने में मज़ा है, लेकिन दोस्तों सेल्फी थोड़ी वीवो V20 के अंदर हमको मिल रहा था 44 मेगापिक्सल का कैमरा, जब बल्कि यहाँ पे हमको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा। और दूसरी एक कॉमन डिफरेंट की बात करें, तो वीवो V20 के अंदर हमको आई फोकसिंग वाला जो सिस्टम था, आई फोकसिंग वाला, वो हमको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और मेगापिक्सल थोड़े कम है। अगर बात करें प्राइस पॉइंट की, तो प्राइस पॉइंट भी वीवो V20 से ये इसकी कीमत काफ़ी कम है, तो 44 से लेके कन्वर्ट करके यहाँ पर 32 के अंदर इनको बढ़ाया गया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने मोबाइल का यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप किया, लेकिन दोस्तों सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम इसका सिक्योरिटी टेस्टिंग, यानी कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो सेंसर है वो आप यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इसको पहले एक बार टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों स्कैनर तो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरा के बारे में, तो कैमरा सैंपल में ले जाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर।
1080 रिजोल्यूशन और 30 FPS के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमको इसके अंदर EIS का सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और पिक्चर्स काफ़ी क्लियर है यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड आप देख रहे हो वो इतना ब्लरी भी नहीं है, और इसके अंदर फोकसिंग काफ़ी मेरे को अच्छे से लगा। और अब स्किन टोन मेरा देख पा रहे हो, स्किन टोन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल जो लाइटिंग्स है वो भी काफ़ी क्लियर है। ओके, और आप मेरे फेस का टोन भी देख सकते हो, ये टोन भी काफ़ी यहाँ पे क्लियर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और दोस्तों ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसके बैक साइड के कैमरे से जो यहाँ पे हमको दिया गया है, और इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जो मैंने अभी तक इसको ये शूट हो रहा है मेरे को तो काफ़ी ये स्टेबल वीडियो लग रही है। और इसके अंदर हम जूमिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं 1x के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 2x हुआ। ओके, तो 1 और 2x ऑप्टिमल एक ही जूमिंग है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम जूम करते तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये ग्रीनरी हमको है, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 10x तक का यहाँ पे हमको सपोर्ट दिया जाता है, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। ओके, तो ये यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के अंदर, जो हमको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। ओके, ये मल्टी फंक्शन लेंस है, इसके अंदर हम बोके भी शूट क्लिक कर सकते हैं और माइक्रो कैमरा का भी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो अल्ट्रा वाइड इसका काफ़ी अच्छा है। ओके, बात करो दोस्तों यहाँ पे मैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो 6.44 इंच का हमको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और एक एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले है, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो है फुल HD प्लस का हमको यहाँ पर रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। PPI 408 के ऊपर हमको यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़कर अगर मैं बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हमको इसके अंदर मिल जाता है, जो मैंने आपको अभी दिखा, इसके सैंपल्स भी मैंने आपको दिखा दिए यहाँ पे। और अगर किसी एक एक्साइटिंग फीचर्स की बात करूँ तो वो है, अगर ये जो मॉडल है हमारे पास इसके अंदर हमको 4100 mAh की बैटरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ दोस्तों 128 GB रोम के साथ 8 GB रैम वाला ये वेरिएंट हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करूँ इसकी OS के बारे में तो फन टच OS 11 के बेस के ऊपर ये काम कर रहा है, और एंड्रॉयड 10 हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो भी एक अच्छी बात है। हालांकि आगे जाके इसके अंदर अपग्रेड हो जाएगा, एंड्रॉयड 11 जैसे कि V20 के अंदर हमको मिल रहा था वैसा इसके अंदर भी हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। और बात करें इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, तो ब्लूटूथ हमको यहाँ पर 5.0 वाला देखने को मिल जाता है, जो मेरे को एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। और बात करें दोस्तों लास्ट में इसके प्रोसेसर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमको प्रोसेसर मिल जाता है 2 GHz ऑक्टा कोर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 665 11 नैनोमीटर वाला हमको यहाँ पे इसका प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एड्रेनो 610 के ऊपर काम कर रहा है, जो काफ़ी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी ये वीवो V20 SE मोबाइल की, जो देखिए आपने वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करते भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, ऐसे ही अगर आप मुझे इंकरेज करोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी वीवो V20 Pro की भी वीडियो ऐसे ही जल्दी से मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ओके, मिलेंगे दोस्तों, तब तक बाय।